अभी हुआ कुछ ऐसा है, जो लोग आजकल सऊदी अरब में आ रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं, उन लोगों से जरूरी हिदायत यह है कि वो लाजमी तौर पे अपने साथ पोलियो कार्ड बनवा लें। आज की फ्लाइट में भी, कल की फ्लाइट में भी, और आने वाले जो भी अब शेड्यूल में आगे फ्लाइट से आ रही हैं, सबको ही चेक किया जा रहा है, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। तो जैसा कि हज 2024 के हवाले से या उमरा के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब ने दोबारा से पोलियो कार्ड के ऊपर सख्ती कर दी है। इससे पहले भी ये मशहूर हुआ था और लोगों ने पैसे कमाने के लिए और इस चीज़ के लिए शुरू किया था, लेकिन आज की वीडियो में आपको तमाम तर डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर ले, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि जो जो लोग भी हज की या उमरा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए, और जो जो लोग मुश्किलात परेशानियों में हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, क्या पता आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। ताकि आज से 2-3 महीना पहले मशहूर हुआ था कि पोलियो कार्ड जरूरी है, सऊदी अरब में जो उमरा पे जा रहे हैं उनसे चेक किया जाएगा, और लोगों ने पैसे बटोरना शुरू कर दिए थे, लेकिन वो सब फेक था। उस टाइम सिर्फ तुर्की जो लोग जा रहे थे या वाया तुर्की आते थे उनसे पोलियो कार्ड चेक किया जाता था। पोलियो कार्ड बनवाना इतना मुश्किल नहीं होता, आपको एयरपोर्ट पे दो कतरे पिला के वहीं पे कार्ड बना दिया जाता है, लेकिन अगर आप पहले से ही पोलियो कार्ड बनवा लेंगे, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पोलियो का कार्ड बनवा सकते हैं, या किसी छोटी डिस्पेंसरी में जाके भी दो कतरे पोलियो के लेके आप पोलियो का कार्ड बनवा सकते हैं। जो लोग आजकल सऊदी अरब में आ रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं, उन लोगों से जरूरी हिदायत यह है कि वो लाजमी तौर पर अपने साथ पोलियो कार्ड बनवा लें। अभी हुआ कुछ ऐसा है, जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं उनके पास पोलियो कार्ड है तो ठीक है, अगर उनके पास पोलियो कार्ड नहीं है तो एयरपोर्ट्स पर उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। आज की फ्लाइट में भी, कल की फ्लाइट में भी, और आने वाले जो भी अब शेड्यूल में आगे फ्लाइट से आ रही हैं, सबको ही चेक किया जा रहा है, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जिन लोगों के पास पोलियो का कार्ड भी है उनको भी पोलियो के कतरे वो लोग पिला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में बाबा कैद आजम है, लोग वो दिखा के पोलियो का कार्ड बनवा लेते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी इसी महीने में या इसी हफ्ते में या नेक्स्ट फ्लाइट्स आपकी हैं तो आप लाजमी तौर पे अपना पोलियो कार्ड बनवा के अपने साथ लाजमी रख लें, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए सख्ती कर दी है कि वहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनके पास पोलियो कार्ड का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। यह है कि एक तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और दूसरा YouTube खुद ही सोचता है कि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव है, जिनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच जाती है। और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।